दीपावली के अगले दिन खेले जाने वाला हिंगो तीर्थ गौतमपुरा की पहचान बन चुका है। इसे देखने के लिए आसपास के शहरों के अलावा विदेशों से भी लोग गौतमपुरा पहुंचते हैं। इंदौर से करीब 60 किलोमीटर दूर गौतमपुरा के देवनारायण मंदिर के सामने वाले मैदान पर ऐतिहासिक हिंगो तीर्थ खेला जाता है। गौतम ऋषि की तपस्थली के रूप में प्रसिद्ध गौतमपुरा का उल्लेख पौराणिक ग्रंथों में भी मिलता है। कई दशकों से खेले जा रहे इस हिंगो तीर्थ को लेकर गौतमपुरा के लोगों में बहुत उत्साह रहता है और वर्ष भर वे इस दिन का इंतजार करते हैं। दशहरे से पहले सर हिंगोट का युद्ध की तैयारी हम पड़वा के दिन होती है, तो इसके पहले हम हिंगोट एक हिंगोरिया नाम का ये घाट होता है उससे हम तोड़ के लाते हैं और उसमें हम 20 या 21 बार वो हाथ में आता है, फल हम सारते हैं, बारूद भरते हैं, बनाते हैं, कोयला ये वो सब और उसकी तैयारी करते हैं। हमारे पिताजी और इनके पहले से ये चली आ रही है परंपरा और हम ये तैयारी करते हैं। दीपावली के दूसरे दिन पड़वा का दिन रहता है और तुर्रा और कलंगी के नाम से ये हमारी दो पार्टी है रुंजी और गौतमपुरा और लड़ते हैं। इस युद्ध में हिंगोट नामक फल का प्रयोग किया जाता है। यह फल हिंगोरिया नामक वृक्ष से प्राप्त होता है। इस फल को सुखाकर उसमें बारूद भरा जाता है। इसके बाद एक छेद मिट्टी से बंद किया जाता है एवं दूसरे छेद में एक बत्ती लगा दी जाती है जिसमें आग लगाकर विपक्षी दल पर फेंका जाता है। युद्ध लड़ने वाले दल तुर्रा एवं कलंगी नाम के होते हैं। बारूद से भरा हिंगोट फेंकने पर तेज आवाज करता है और इसके फटने से कई योद्धा घायल भी हो जाते हैं। युद्ध है ये हमारा बुजुर्ग ने युद्ध चालू किया था जिसको यह परंपरा कायम रहे इसके लिए मैं भी इसी मैदान में उतरा हूँ। कुछ भी महसूस नहीं होता इस बार हिंगोट युद्ध में दो मंच लगाए गए जिसमें एक मंच प्रशासन का था तो दूसरा जनप्रतिनिधियों का। हिंगोट युद्ध को लेकर प्रशासन ने की पुख्ता तैयारियां की। गौतमपुरा में हिंगोट युद्ध के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। थरीलय में 8 फीट ऊंची बैरिकेडिंग लगाई गई एवं पिछले साल के मुकाबले 2.5 गुना पुलिस बल लगाते हुए मौके पर फायर ब्रिगेड और एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई। हिंगोट युद्ध का महासंग्राम देखने हजारों दर्शक देवनारायण मैदान पर पहुंचे। हिंगोट युद्ध के दौरान कई लोगों की जेब कटी तो कुछ योद्धा घायल भी हुए। हिंगोट युद्ध के बाद विधायक विशाल पटेल के नेतृत्व में कवि सम्मेलन का आयोजन भी किया गया। इंदौर से एनके मीना के साथ सचिन शर्मा की रिपोर्ट।